गाइस क्या मस्त नींद आई भाई। एंड वेट अ सेकंड भाई, ये मेरे घर के बाहर से कैसी आवाज आ रही है? एंड भैंस के टंग, ये विलेज में बच्चे फटाके चला रहे हैं। अबे शिट भाई, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में भूल ही गया कि कल दिवाली है। गाइस मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, जल्दी से जाके एक लाइक करो यार। चलो गाइस देख के आते हैं अपना विलेज कैसा डेकोरेट हो रखा है। भाई साहब क्या मस्त डेकोरेशन है यार, ये देखो क्या झालर लगा रखी है इन लोगों ने। एंड सारे के सारे घर डेकोरेट हुए हैं, सबने कैंडल्स भी लगा रखी है भाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट में दिए तो होते नहीं है। और यार विलेज तो कुछ ज्यादा ही मस्त लग रहा है, सब लोगों ने अपने घरों को एकदम दुल्हन की तरह सजा रखा है। तुम लोगों ने भी अपने घरों पे ऐसी लाइट लगाई होगी भाई, देखो यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड गाइस वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है, चलो जाके देखते हैं। भैंस के टांग, इतने सारे विलेजर झुंड बना के खड़े हुए हैं, क्या हो गया इधर? अबे इधर पे तो एक बच्चा है। ओ भाई साहब क्या पटाखे चला रहा है ये, अरे भाई क्या कूल फटाके है ये, देखो भाई ये सारे के सारे विलेजर्स इसके फटाके देखने के लिए आए। एंड ये क्या है भाई, ऐसा फटाका तो मैंने आज तक नहीं देखा। ए बच्चे भाई एक बार और चलाना यार, मेरे को देखना है, एक और बार चलाना फटाके। यार नहीं चलाना, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, अब तू यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मैं यहाँ पे फटाके नहीं चलाऊंगा। अबे यार ये क्या जबरदस्ती है, मैं नहीं जा रहा यहाँ से, मैं तो इधर ही खड़ा रहूंगा, नहीं चलाने है तो मत चला। ए विलेजर, तुमको फटाके देखने ना, देखो ये मुझे यहाँ पे फटाके नहीं चलाने दे रहा है। ए चले जाओ यहाँ से, इसको चलाने दे, नहीं तो तेरे को उठा के ना इस विलेज से बाहर फेंक देंगे। निकल यहाँ से, तेरे चक्कर में हम लोग भी फटाके नहीं देख पा रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ यार, पता नहीं क्या जबरदस्ती है, मेरे को यार फटाके देखने थे, मेरे को फटाके भी नहीं देखने दे रहा, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। रुको भाई मैं दूर से ही देखूंगा। ये देखो फटाके भाई सब क्या फटाके है यार, ये रॉकेट देखो भाई कैसे ऊपर जा रहा है। भाई ये वाला फटाका सबसे बेस्ट है यार, ऐसा फटाका मैंने आज तक नहीं देखा। गाइस कितने मस्त फटाके थे यार, मुझे भी ऐसे फटाके चाहिए। लेकिन यार ये फटाके तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तो यार कुछ ज्यादा ही गरीब हूँ। मैंने अभी तक अपना घर भी डेकोरेट नहीं किया है, विलेज के सारे घर डेकोरेटेड है, बस मेरा ही घर बचा हुआ है जिसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं है। भैंस की टांग मकड़ी के जाले और लग रहे हैं, साफ सफाई भी नहीं हुई है अभी। चलो यार मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे तो पड़े होंगे, फिर उससे फटाके लेके आऊंगा। ओके मेरे पास थोड़े से एमराल्ड हैं, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 5 एमराल्ड में थोड़ा सा डेकोरेट करने का सामान तो आ ही जाएगा और एक दो फटाके भी आ जाएंगे। तो चलो यार जल्दी से खरीदने चलते हैं ये सारा सामान। लेकिन यार ये सारा सामान मैं खरीदूं कहां से, हमारे विलेज में तो एक भी शॉप नहीं है जहां पे ये सब मिलता हो। रुको इस विलेजर से पूछता हूं, इसको पता होगा। हेलो विलेजर, देखो पता है क्या ये फटाके और डेकोरेशन का सामान कहां पे मिलता है? अपने विलेज के पास तो दूसरा वाला विलेज है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी फायर क्रैकर की दुकान खुली है, तुम वहाँ से जाके ले सकते हो। मैं भी वहीं से लेके आया हूँ, चल अभी मेरे को अपना काम करने दे, डिस्टर्ब मत कर। ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए, मैं अभी जाता हूँ और ढेर सारे फटाके लेके आऊंगा ये। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं पास वाले विलेज में। तो ओके गाइस अपन लोग शॉप के पास आ चुके हैं और भाई देखो क्या तगड़ी शॉप बना रखी है, इतने बड़े बड़े फायरवर्क्स भी हैं। एंड गाइस यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अबे यार मैं अगर लाइन में लगूंगा मेरा नंबर पता नहीं कब तक आएगा। गाइस एक काम करता हूँ, ये विलेजर तो वैसे ही गधे होते हैं, चलो अपन लोग आगे जाके लाइन में लग जाते हैं। अबे ये किसने मारा? ए देड़ छाने, हम लोग पांगा लेके यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अबे यार ये विलेजर भी ना, भैंस की टांग अब वेट करना पड़ेगा यार, पता नहीं कब मेरा नंबर आएगा। 2000 years later. Guys, मुझे वेट करते करते काफी ज्यादा देर हो चुकी है और फाइनली मेरा नंबर आने वाला है, बस ये एक विलेजर बचा हुआ है, ये जल्दी से फटाके लेके जाए फिर मैं भी फटाके खरीदूंगा। भाई वेट नहीं हो रहा मेरे से। और गाइस तुम लोग देखो यार इसके पास कितने सारे मस्त मस्त फटाके हैं, वो देखो अनार चक्री, और भाई ये देखो ग्रेनेड है क्या है पता नहीं, भाई बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े फटाके हैं, वहाँ पे सुतली बम भी है। ओके गाइस मेरा नंबर आ चुका है, लेट्स गो। भाई ये देखो कितने तगड़े तगड़े फटाके हैं। एंड भाई यहाँ पे तो वो वाला फटाका भी है जो वो बच्चा चला रहा था। बताइए सर आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़े से फटाके और डेकोरेशन का सामान चाहिए, ये लो 5 एमराल्ड। सर 5 एमराल्ड में तो बस 2 चिल्ली फटाके आएंगे। अरे यार बस 2, एटलीस्ट 5 तो दो। सर 2 ही मिलेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो आप जा सकते हो, वैसे हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अबे यार ये तो बस रॉकेट है, ये तो फटाके भी नहीं है। सर 2 फटाके लेके जा रहे हो या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? अरे सिक्योरिटी को बुलाने की क्या जरूरत है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। भाई ये महंगाई कब बड़ी, मेरे को तो पता ही नहीं चला, 5 एमराल्ड में उसने बस मेरे को 2 रॉकेट दिए, और यार कितना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। बट यार क्या ही कर सकते हैं, इसके पास इतने सारे कस्टमर है ना, इसीलिए इसके भाव बढ़ गए हैं। चलो अपने विलेज में वापस चलते हैं। गाइस यार अपने पास बस 2 फटाके हैं और मैं अपने घर को डेकोरेट भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मैं अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। वेट अ सेकंड गाइस, मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है, हमारे विलेज में एक भी शॉप नहीं है जहाँ पे ये सारा का सारा सामान मिलता हो, क्यों ना मैं अपने विलेज में एक शॉप खोल लूँ। ए विलेजर
दूरट मेरा प्लान क्या सुन रहा है तू? गाइस कहीं इस विलेजर ने मेरा शॉप खोलने का प्लान सुन तो नहीं लिया? भैंस की टांग भाई, यहाँ पे तो ढेर सारे विलेजर हैं। मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ, अगर इनमें से किसी ने मेरा प्लान सुन लिया और शॉप खोल ली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अपने विलेज में एक भी शॉप नहीं है जहाँ पे फटाके, डेकोरेशन का सामान और मिठाइयाँ मिलती हो, तो क्यों ना मैं भी अपनी एक शॉप खोल लूँ। भाई सच में मस्त कमाई होगी और मैं बहुत ज्यादा अमीर भी बन जाऊंगा। लेकिन यार मेरे पास तो दुकान खोलने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं बेचने के लिए सामान कहाँ से खरीद के लेके आऊंगा? मैं तो यार गरीब हूँ। एक सेकंड भाई, मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है। रुको मैं तुम्हें अंदर जाके समझाता हूँ। गाइस मेरे पास पिछली दिवाली के कुछ फटाके बचे हुए हैं, रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। इधर ही कहीं होगी मेरी सीक्रेट चेस्ट, ये रही। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक फायरवर्क्स है और ये नॉर्मल वाले फटाके हैं जो लाइक आसमान में जाके चल जाते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। तो यार तुम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में वो बच्चा तो देखा ही होगा जिसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी और मेरे को फटाके नहीं देखने दिए थे, तो अभी मैं उसी को स्कैम करने वाला हूँ। तो मैं उस बच्चे के पास जाके ये वाले फटाके बेचूंगा और जब वो इनको खरीदेगा तो फिर मैं उसको ये पुराने वाले अपने उसकी चिंदी फटाके दे दूंगा और उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम ही दिखते हैं। लेकिन यार उससे पहले मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। तो ओके गाइस, मैंने अपना लुक पूरा का पूरा बदल लिया है और अभी भाई कोई भी मेरे को पहचान नहीं सकता क्योंकि मैं एक शोमू विलेजर बन चुका हूँ। हैकटिंग भाई कितना अजीब सा दिख रहा है, और वेट भाई इसके सर पे तो किसी चिड़िया ने हक दिया। बट छोड़ो भाई, अपन चलते हैं अपना बिजनेस करने, मेरा मतलब बिजनेस नहीं स्कैम करने। वैसे गाइस तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना क्या तुम्हारे घर पे भी पिछली दिवाली से कुछ फटाके बचे थे। चलो भाई उस बच्चे को ढूंढते हैं। भैंस की टांग कहाँ गया वो? भैंस की टांग भाई, ये बंदा तो अभी भी फटाके ही चला रहा है। ओके ओके कहाँ जा रहा है? रुको उसके पास चलते हैं। ओए बच्चे। हाँ, क्या हुआ? तुझे फटाके खरीदने हैं क्या? मेरे पास बहुत मस्त रॉकेट्स हैं। मेरे पास ऑलरेडी इस विलेज के सबसे अच्छे फटाके, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फटाके। तुम्हारे पास इस विलेज के सबसे बेस्ट फटाके होंगे, लेकिन ये वाले फटाके और भी ज्यादा बेस्ट हैं। रुको मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ, इधर आओ। हाँ चला के दिखा, मैं मान ही नहीं सकता। है चिंदी फटाके, मेरे फटाके इससे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे दिखा रहा था, मुझे नहीं खरीदने तुम्हारे सस्ते फटाके, जा रहा हूँ मैं। अबे ओ बच्चे, तू खरीद भी नहीं पाएगा, ठीक है? तेरी औकात भी नहीं है इनको खरीदने की। ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा। बता कितने के तेरे फटाके? 5 एमरल्ड के, 2 रॉकेट है। बता तुझे कितने चाहिए, 1 या 2? तुम्हारे पास जितने भी फटाके सारे दे दो, सारे खरीद लूंगा मैं। मेरे पास पूरे 1 स्टैक रॉकेट्स हैं, तो 1 स्टैक रॉकेट के हुए तुम्हारे 160 एमरल्ड। हाँ ये ले पकड़। ये तो 160 से ज्यादा है। इतना चेन, ये लो तुम्हारे 1 स्टैक फायर क्रैकर्स। बड़ा आया, मैं नहीं खरीद पाऊंगा बोलने वाला। तो ओके गाइस अपन लोग जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं। भैंस की टांग उस बच्चे को स्कैम कर दिया अपन ने, और भाई मैं जल्दी से अपने असली रूप में आ जाता हूँ। तो ओके गाइस तुम लोग देख सकते हो अपने पे आ चुके हैं 3 स्टैक एमराइड, और भाई क्या मस्त चूना लगाया उस बच्चे को, मेरे सामने चालू बन रहा था। तो चलो अभी अपने पास काफी पैसे हो चुके हैं अपनी खुद की एक दुकान खोलने के लिए। एंड यार मेरा विलेज तो काफी ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर मैं अपनी दुकान किस जगह पे खोलूं? रुको यार कोई खाली एरिया देखते हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से ये वाली लोकेशन काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया है, मैं अपनी मस्त बड़ी सी दुकान खोल सकता हूँ। तो ओके गाइस अपनी शॉप बनके तैयार हो चुकी है और तुम लोग देख सकते हैं यार मैंने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया है, और मेरी शॉप के अंदर क्रैकर, सारा का सारा डेकोरेशन का सामान, स्वीट्स वगैरह भी मिलती है। तो चलो भाई अभी जल्दी से अपनी शॉप के अंदर चलते हैं एंड वेट करते हैं अपने पहले कस्टमर का। ओके गाइस अपना पहला कस्टमर आ चुका है। हाँ विलेजर बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे 10 सुतली बम चाहिए। ओके बस 10 चाहिए ना? रुको अभी देता हूँ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी वाले सुतली बम है मेरे पास, ये लो। ओहो, इतने मस्त सुतली बम, चलो चलो सारे उठा के मैं तो जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ये लो 64 एमराल्ड। ओके थैंक यू, फिर से आना शॉपिंग करने। गाइस अभी तो बस एक कस्टमर आया है और अपने पास 64 एमराल्ड हो गए। भाई साहब सोचो अगर अपनी शॉप का सारा सामान बिक गया तो अपन कितने अमीर बन जाएंगे। हेलो सर आपको क्या चाहिए बताओ? मेरे को अपना घर सजाना है इसीलिए थोड़े से आइटम्स दे दो। रुको मैं आपको सबसे बेस्ट डेकोरेशन का आइटम्स देता हूँ। ओहो ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके हुए 50 एमराल्ड्स। हाँ हाँ अभी देता हूँ, ये लो आपके 50 एमराल्ड्स। ठीक है सर दोबारा शॉपिंग करने आना। ओके सर। और फिर ऐसे ही देखते देखते मेरी शॉप पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई। गाइस ये देखो यार मेरी शॉप पे कितनी ज्यादा भीड़ लग गई है विलेजर्स की, और भाई इससे पहले मैंने काफी सारे विलेजर्स को सामान बेचा है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे पास काफी सारे एमराल्ड्स आ गए हैं। आओ विलेजर्स तुम्हारे लिए मैंने खोली एक स्पेशल दुकान जहाँ पे मिलेंगे विलेजर्स को पटाखे, वो भी डिस्काउंट पे, तो जल्दी से आओ। अबे भैंस की टांग भाई, इसने तो मेरे बगल में बिल्कुल सेम टू सेम दुकान खोल ली, और ये तो वही सब सामान
सामान बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ। अबे भैंस की टांग, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एंड व्हाट भाई, मेरी दुकान से बाकी के कस्टमर्स कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अबे भैंस की टांग भाई, मेरे ख्याल से सारे कस्टमर्स उसकी दुकान पे चले गए। अबे भाई, इसकी दुकान पे तो मेरी दुकान से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अबे यार, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। भाई यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कुछ करने का सोचता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अरे विलेजर यार, रुको ना। ओए विलेजर, रुक जाओ भाई। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी दुकान से सामान नहीं लूंगा। वो देखो बगल में वो डिस्काउंट भी दे रहा है, और वो हमारी बिरादरी का है, मैं तो उससे ही सामान लूंगा। बाय बाय। अबे यार भाई, एक भी विलेजर मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। गाइस, तुम लोग देख सकते हो यार, मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं है, सारे के सारे उस चोमू विलेजर ने चुरा लिए। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाइस यार, मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा उसकी दुकान बंद करवाने के लिए। वेट भाई, ये जेरी कहाँ से आ गया? हेलो भैया, क्या कर रहे हो ये? अबे यार, दिखाई नहीं दे रहा क्या? फटाके बेच रहा हूँ भाई, इतने बुरे दिन आ गए। छी भाई, मेरे बुरे दिन तो तब से ही चालू हो गए थे जब से मैंने तेरी शकल देखी थी। किसकी क्या भाई? तेरी शकल, ये बच्चों वाली भोली सी। अच्छा वो सब छोड़ो। हाँ क्या काम है, जल्दी बता मेरे को, दिवाली के फटाके दो ना। हाँ बता बता, कितने फटाके चाहिए तेरे को? 5 फटाके। ठीक है, मैं तेरे को सबसे बेस्ट फटाके दूंगा। चल जल्दी से 64 एमराल्ड निकाल, फ्री में चाहिए। देख वैसे ही मेरा मूड खराब है और तू ये फ्री में फटाके मांगने और आ गया। हाँ ये एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, जा। नहीं मिल रहे तुझे फ्री में फटाके? यहाँ गरीबी में आटा गीला हो रहा है और इन भाई साहब को फ्री में फटाके चाहिए। क्या भैया, इतने क्यूट बच्चे को तो दे ही सकते हो। इधर आइए जरा। ओए 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 ओए, अबे ओ, ए चोर, वापस कर। ए फटाका वापस कर। चल ए चोर, कहीं गए? वापस कर। चल, तूने अपनी शकल देखी है क्या आईने में? क्यूट, और वो भी तू। गाइस, तुम्हें ये कहीं से क्यूट लग रहा है क्या? अच्छा वैसे आप इतने उदास कैसे हो? यार जेरी, अब तुझे क्या ही बताऊं, मैंने इतना दिमाग लगा के एक मस्त फटाके की शॉप खोली थी, और पता नहीं कैसे एक विलेजर ने मेरी शॉप के बगल में शॉप खोल ली है और वो मेरे सारे कस्टमर चुरा ले गया। और भाई अब कोई भी नहीं आ रहा मेरे फटाके खरीदने। अबे यार जेरी, रुक जाना भाई, मदद तो करके जा भाई, जरूरत के वक्त पे सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तू तो रुक जा यार। क्या करूं भाई, मुझे नहीं पता कुछ भी कर तू, लेकिन मेरे को मेरे कस्टमर वापस चाहिए। उस विलेजर की दुकान बंद करवानी है मुझे। तुमने मुझे फटाके नहीं दिए, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे यार चेरी, तू तो गुस्सा हो गया यार। भाई मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने तुझे फटाके नहीं दिए, ये दुकान तेरी ही तो है यार, जितने फटाके चाहिए उतने फटाके ले लेना। अबे अबे रुक जा भाई, अभी नहीं लेने यार। देखो मैं फटाके दूंगा, लेकिन तब जब ये सारे के सारे कस्टमर्स मेरी दुकान पे वापस आ जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है यार, जल्दी बता, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। चल भाई जेरी, कहाँ लेके जा रहा है यार? ओके गाइस, चलो चलते हैं इसके पीछे पीछे, देखते हैं भाई क्या आइडिया आया इसको। एंड भैंस की टांग, ये मेरे घर के अंदर क्यों जा रहा है? अबे यार जेरी, तू मुझे मेरे घर में क्यों लेके आ गया भाई? आए अबे लेट गया। ओ भैंस की टांग, ये क्या है भाई? यहाँ पे तो ढेर सारे चूहे हैं। लेकिन जेरी यार, तू इन चूहों से करने क्या वाला है? इसको अपन उसकी दुकान में छोड़ देंगे और वो उसके सारे क्रैकर खा जाएगा। अबे हाँ यार जेरी, ये तो बहुत तगड़ा आइडिया है। वाह यार जेरी, मुझे नहीं पता था तेरे छोटे से घुटने में इतना बड़ा दिमाग भी है। ओए जा नहीं कर रहा भाई। अबे जेरी भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। जेरी जेरी रुक जा यार, प्लीज प्लीज जेरी, तुझे फटाके नहीं चाहिए क्या? फटाके दूंगा भाई, फ्री में बहुत सारे फटाके, जल्दी आ। देखा गाइस, ऐसे काम करवाते हैं यार जेरी। लेकिन इस चूहे को अपन लोग उसकी दुकान तक लेके कैसे जाएंगे? मोटी बुद्धि, ये देख भाई, मुझे मोटी बुद्धि बोल रहा है। अबे यार जेरी, ये तो चीज है ना? हाँ चूहा चीज के पीछे पीछे जाएगा और अपन लोग इस चीज को पूरा एकदम बिछा देते हैं उसकी दुकान तक। मस्त आइडिया है, चल जल्दी करते हैं। तू चीज डाल, मैं रास्ता बनाता हूँ। चलो जेरी भाई, जल्दी चीज डालता जा। ओके भाई, ये चूहे ने चीज खा लिया, लेट्स गो। ओके ये आता जा रहा है पीछे पीछे, चल 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 जेरी, जल्दी चल जल्दी, लेट्स गो भाई, ये आ रहा है। ओके ओके ओके, चल जल्दी चलते हैं भाई साहब, उस विलेजर की तो वाट लगने वाली है। ओके ओके, ये चूहा आ रहा है भाई, क्या मस्त आइडिया निकाला है यार जेरी। ओए ओए, अबे अबे जेरी, वो मेरी दुकान है भाई, उसके अंदर नहीं जाना भाई। बच गया यार, ये जेरी तो पागल हो गया था। ओके अबे भैंस की टांग भाई, ये तो उसकी दुकान में चीज फेंक के आ गया। ओए ये क्या, ये चूहा कहाँ से आ गया मेरी दुकान में? ओए निकल यहाँ से। विलेजर्स देखो, इसकी दुकान में गंदगी है, तभी तो चूहे आ रहे हैं, ये बेकार सामान बेचता है। ए मेरे कस्टमर को क्यों भगा रहे, तू चले गए यहाँ से? ये चूहा मेरे को काट रहा है, मम्मी मेरे को डर लगता है चूहे से। ए मेरा पीछा छोड़ दे मम्मी, चूहा चुआ। यार जेरी, तू तो बड़ा मस्त बंदा निकला भाई, उस विलेजर को क्या तगड़े तरीके से भगाया है अपन ने, देखा ना। हाँ चल चल, अभी जल्दी से चलते हैं यार, मेरी दुकान पे कस्टमर को बुलाना भी तो है। गाइस ये देखो, मेरी दुकान पे फिर से भीड़ लग चुकी है कस्टमर्स की, लेट्स गो। अभी इन सबको मैं सामान बेच देता हूँ। ओए जेरी, ए रुक जा, अबे अबे भाई रुक जा जेरी,
ए रुक जा भाई, अपनी डील हुई थी। भैंस की टांग भाई खुद से ही सामान लेके भाग गया। वैसे गिल्लू भाई इसने पांच ही फटाके लिए है ना, 1 2 3 4 5 6। अबे जेरी के बच्चे 6 फटाके लेके भाग गया चीटर। तो गाइस अभी मैं इन सब लोगों को फटाके बेच देता हूँ। चलो गाइस ये आखिरी कस्टमर भी चला गया है। एंड भाई तुम लोग ये देखो, अपनी दुकान का सारा सामान बिक गया। एंड भाई मैं कितना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ, मेरे पास कितने सारे एमराल्ड आ गए। और ये देखो भाई इस चेस्ट के अंदर भी एमराल्ड भरे पड़े हैं। भाई सही बता रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे पे इतने सारे एमराल्ड भी होंगे। पर हाँ अभी मैंने अपने सेलिब्रेट करने के लिए भी थोड़े से फटाके बचा के रखे हैं। और भाई यार मैं सुबह से काम करने में लगा हूँ, ये देखो रात भी हो गई, अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और भाई इस विलेजर की दुकान तो बंद हो गई, ये देखो भाई उन चूहों ने उसकी दुकान की वाट लगा दी। चलो यार अब लोग अपने घर पे चल के आराम करते हैं। एंड भैंस की टांग भाई मैं ये फटाके बेचने के चक्कर में अपना घर डेकोरेट करना ही भूल गया। भाई यार अब तो रात होने वाली है, मेरे से नहीं हो रहा और काम, मैं जा रहा हूँ सोने। इसको अपन लोग सुबह देखेंगे। गाइस अभी एकदम चैन की नींद आएगी भाई। तो गाइस सुबह हो चुकी है और तुम सबको मेरी साइड से हैप्पी दिवाली। एंड भाई बाहर तुम लोग देख सकते हो यार कितने सारे विलेजर घूम रहे हैं और सब लोग फटाके जला रहे हैं। लेकिन भाई मेरा घर अभी भी एकदम फटीचर सा ही लग रहा है। रुको मैं इसको जल्दी से डेकोरेट करता हूँ। तो ओके गाइस मैंने अपना घर फाइनली पूरा डेकोरेट कर लिया। और भाई तुम लोग देखो क्या मस्त डेकोरेशन लग रही है ना। एंड भाई यहाँ पे मैंने डायमंड के ब्लॉक लगाए क्योंकि अब मैं कुछ ज्यादा ही अमीर हो चुका हूँ। और भैंस के टांग भाई ये सारे के सारे विलेजर मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं देखने के लिए कि कैसा डेकोरेट हुआ है। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मुझे अभी भी वो दिवाली वाली फील नहीं आ रही। हमारे पास पैसा भी आ गया, घर भी डेकोरेट हो गया और ढेर सारे फटाके भी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यार इस दिवाली कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। क्योंकि यार दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ में मनाना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रुको मेरे पास एक आइडिया है, अपन लोग एक काम करते हैं, मैं ना अपने सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ अपने साथ में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। फिर बनेगी भाई बेस्ट दिवाली। गाइस अगर तुम लोग को भी दिवाली का असली मजा लेना है ना तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करना। और मैं भी चलता हूँ सारे यूट्यूबर्स को इनवाइट करने। हेलो ऋषि भाई, वैसे दिवाली के टाइम पे कैसे आना हुआ यार? भाई मैंने अपने विलेज में एक स्पेशल दिवाली पार्टी रखी है तो आपको आना है वहाँ पे, साथ में मिलके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। अरे हाँ ऋषि बिल्कुल आ जाऊंगा मैं यार। ठीक है ऋषि भाई, खाने पीने का बंदोबस्त करके रखना। वैसे फ्री की पार्टी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो आ जाऊंगा। तो गाइस फाइनली मैंने सारे के सारे क्रिएटर फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया है। एंड भाई अब बस शाम होने का वेट है मुझे। एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है? अबे ये दो विलेजर के बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? वो भी भाई इन झाड़ियों में एकदम अलग सुनसान। हेलो बच्चे क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? भैया दिवाली है और हमारे पास पटाखे खरीदने तक के पैसे नहीं है और इसीलिए हम लोग उदास है। अरे बस इतनी सी बात? रुको यार मैं तुम्हें देता हूँ ना ढेर सारे पटाखे। हैं सच्ची दे दो। छोटू देख भैया ये तो आपने सारे पटाखे दी दी, आपने तो सदमे में आ गया। अरे वाह थैंक यू भैया, ये भैया पैसे भी तो दो। अबे तुझे मैंने कंधे पे बिठाया है भाई, तू तो कान में मूतने लगा। ये पटाखे दिए इनसे ही खुश रहो ठीक है? भैंस की टांग भाई भलाई का जमाना नहीं है यार, मैं तो मदद करने की सोच रहा था और ये तो मेरे गले पड़ रहा है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है और भैंस की टांग अभी तक कोई आया क्यों नहीं। मैंने सबको इनवाइट तो किया था लेकिन भाई ऋषि भाई जो आ गए लेट्स। हेलो भाई दिवाली मनाते भाई, कैसे हैप्पी दिवाली भाई? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबके, हैप्पी दिवाली ब्रदर्स। अरे भाई वेट किस चीज का करो, चलो पटाखे फोड़ते हैं यहाँ पे भाई, रात हो चुकी है। दोस्तों क्या तुम लोग अपने अपने पटाखे लेके आए हो या फिर मैं दूं? अरे बिल्कुल लेके आए, हम लोग घर से लेके आए। देखो इधर देखो, ये मेरे पास एक से एक चक्री फुलझड़ी अनार, बोलो क्या फोड़ना है। चलो भाई चलाते हैं यार, आ जाओ इधर खुले मैदान में। चलो भाई सब कुछ है भाई, ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हारे केले लेके आया हूँ। जादू यार वैसे तो दिवाली पे मिठाइयां देते हैं, तू मेरे को केले दे रहा है। अरे तुम क्या केले केलों में लगे हो, जल्दी आओ फटाफट से बम फोड़ते हैं वरना सुबह हो जाएगी। चलो भाई ये कौन सा फटाका है भाई? ये स्काई शॉट है। रुको ये देखो, पहले अपन को फुलझड़ी को जलाना पड़ेगा और ये तो जली नहीं रही। ये लो जला दी, भागो भागो। अरे कैरी भाई क्या हुआ, तुम्हारी फुलझड़ी तो फूस की निकल गई, ये चला क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था भाई। ये गंदा प्रैंक है भाई, अभी मैं सच में सोच रहा था कि कुछ तगड़ा होने वाला है। ये मेरी चोर बाजार की फुलझड़ी है, जल भी नहीं रही है। अबे तू ये जला भाई, रेनबो फायरवर्क ये देखो भाई। और वो भाई क्या सही है ये? ओके जल गई जल गई जल गई, जल्दी जल्दी खतरनाक लौंडा भाई चक्री के ऊपर ऐसे कूदता हूँ, ये देख रहे हो भाई? भाई देख के भाई टांगों के साथ साथ कुछ और ना जल जाए।
ये देखो गाइस मेरे पास सुतली बम है भाई, इसको फोड़ते हैं। अरे रुक जा युग भाई, सुतली बम बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, थोड़ा दूर आके फोड़ना भाई, नहीं तो विलेज तबाह हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, फोड़ा है क्या कभी? हाँ भाई एक बार फोड़ा था, हाथ में फट गया था। अरे अभी फोड़ते हैं ना, कुछ नहीं होगा। देखो इसको यहाँ पे मैंने लगाया और ये डाला फ्लिंट एंड स्टील, फुलझड़ी से जलता है भाई वो। ये जल गया दूर जा भाई, जादू रुक ओ जादू एक सेकंड रुक भाई, पीछे दिखा ना भाई, काला हो गया होगा, पीछे दिखा ना भाई, ये तो पूरा जल गया भाई, मैं तो देख पा रहा हूँ। अरे यार शिट यार, छी भाई भाई काट दे रहा भाई, मैंने बोला है पूरा ही काला है भाई। कैरी भाई क्या बात है यार, अकेले अकेले अनार चला रहे हो हैं? मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे लैला मजनू वाला पटाखा, ओके जलाओ, इसे मैं अमेरिका से लेके आ रहा हूँ भाई, अभी देखो इसका जादू भाई, इसे ये देखो भाई मस्त मेरा पटाखा, ये तो भाई लैला मजनू से चला, ये तो वही तो भाई चटर पटर भाई, तुम मेरे को भागो अरे भाई जल्दी से इसको चलाओ, अनार को चल गया, ओ माय गॉड भाई साहब, ओ भाई ये क्या खतरनाक वाला पटाखा भाई, ये तो यार कूल लग रहा है। कैरी भाई कहाँ से खरीद के लेके आए इसको? चाइना से एकदम। यार कैरी भाई चाइना का माल वैसे तो सस्ता होता है लेकिन ये तो अच्छा निकला। चलो भाई भाई जलाते हैं सारे के सारे। अबे भाई हैप्पी दिवाली सब लोगों पे, हैप्पी दिवाली दोस्तों, हैप्पी दिवाली भाई। ये मेरे पास पटाखा देख रहे हो, ये सबसे स्पेशल पटाखा मेरे पास, ये इतना महंगा ना तुम्हारी यूट्यूब की पूरी कमाई चली जाएगी एक महीने की। अब देखो इस खतरनाक पटाखे का जादू, ये तो लो भागो यहाँ से। अबे भाई तुम जाओ। अबे यार क्या था ये, देखो आधी स्पोर्ट को पानी के अंदर। आदि भाई यार तुम तो कह रहे थे बड़ा खतरनाक पटाखा है। अच्छा भाई इतना बोल रहे हो तुम भाई, अपना पटाखा जला के दिखाओ यहाँ पे तुम, मैं भी देखो तुम्हारे पटाखे कितने खतरनाक है यहाँ पे। अब कहीं ना भाई काम की बात रुको, अभी दिखाता हूँ तगड़े तगड़े क्रैकर्स। तो गाइस इधर आओ, ये मेरे हाथ में तुम्हें दिख रहा है। अबे क्या है भाई सड़ा सा वो डंडी भाई, ये देखो भाई ऊपर आसमान में देखो। अबे क्या है वो, ये देखो दोस्तों भाई हैप्पी वाली, अरे भाई साहब क्या पटाखा है यार सही में भाई, तेरे पटाखे तो यूएस के लग रहे यार। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कितने सारे पटाखे हैं भाई, इन पटाखों को मैं अकेले अकेले क्यों चलाऊं, इन गरीबों में भी मतलब अपने दोस्तों में भी बांट देता हूँ। अरे अरे भाई गरीब किसे बोला मैंने, अरे किसे बोला, मजाक कर रहा हूँ भाई मजाक, सॉरी। ये लो दोस्तों तीन पटाखे तुम्हारे, और अरे जादू ऐसे पैर पकड़ने की क्या जरूरत है भाई, पैर नहीं पकड़ रहा हूँ यार, मांग रहा हूँ सिर्फ लेट के, वो तो सबने देख लिया भाई पैर छू रहा था। ये ले भाई तीन पटाखे तेरे, लाओ लाओ भाई इधर लाओ थोड़ा मुझे, क्या बात है फैंटास्टिक। और ये लो आदि भाई तीन तुम्हारे, एक एक करके चलाते हैं भाई, दिखाएंगे बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े पटाखे। ये देखो मेरे पटाखे, देखो भाई मेरे पटाखे तो उससे खतरनाक। अरे भाई धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, भैंस की टांग गाइस, मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दी इन सबको फ्री के फटाके बांट के। भाई अपन तो फटाके फोड़ते, आ जाओ गाइस कम ऑन वापस से, फटाके आ जाओ भाई, फ्री के फटाके फोड़ो भाई सारे के सारे। तो हम लोग मिलेंगे तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक तुम लोग स्क्रीन पर क्लिक करो और मेरी लास्ट वीडियो देख के आओ, एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।